Hello friends, this is Team Super Simplified and we are here with another interesting lecture in our current affairs series. And today's topic is how is crude oil priced? So crude oil जो petroleum है उसकी international market में pricing कैसे होती है, कैसे उसकी price तय की जाती है, कौन उसको influence करता है, कौन उसको control करता है और उसकी जो price में इतनी fluctuation है वो क्यों होती है और उसकी fluctuation से India को इतना impact क्यों होता है, right? और उसमें से जो derived products हैं, जो petrol है, diesel है, उसकी price India में कैसे determine की जाती है। आपको पता होगा कि अब daily basis पे petrol और diesel की price change होने लगी है। अगर आप petrol pump पे जाएंगे तो daily आपको एक नई price वहां पे देखने को मिलेगी। So how that is determined, कौन उसको decide कर रहा है आजकल और उसके क्या क्या components होते हैं जो आप price pay करते हैं अपने vehicle में petrol या डीजल फिल करने के लिए, उसकी प्राइस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो कितना कितना अमाउंट किसके पास जाता है, राइट? सो ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव आल्सो और एज अ नॉर्मल सिटीजन, एज अ कॉमन सिटीजन आल्सो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स, राइट? सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दिस वॉज इन न्यूज एंड द थिंग विच वॉज इन न्यूज इज दैट इन द यूएस क्रूड ऑयल मार्केट समथिंग इंटरेस्टिंग हैज हैपेंड। सो इंटरेस्टिंग चीज जो हुई है वहां पे वो क्या हुई है कि एक बैरल जो है ऑयल का, क्रूड ऑयल का, वो $18 के आसपास में ट्रेड कर रहा था और फिर उसका जो प्राइस है वो गिरने लगा और गिरते 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 वो जीरो पर आया और जीरो पर आने के बाद में वो निगेटिव भी हो गया एंड इट ट्रेडेड एट -$38 पर बैरल, राइट? तो -$38 पर बैरल पर इसकी ट्रेडिंग हो गई। इसको आप इस ग्राफ में यहाँ पर देख सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे $20 के आसपास में ट्रेडिंग चल रही थी और सडनली ये जीरो वाली लाइन है, तो जीरो आने के बाद ये धीरे 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 नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच गया और -$38 $40 के आसपास में ट्रेड हो गई। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि नेगेटिव टेरिटरी में कैसे वो ट्रेडिंग वहां पे हो गई, बिकॉज काफी शॉकिंग लगता है कि कोई कमोडिटी जो है उसकी प्राइस नेगेटिव कैसे हो सकती है। जीरो प्राइस का मतलब है कि आप फ्री में कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज जीरो प्राइस, बट जीरो से नीचे नेगेटिव प्राइस कैसे हो सकती है? सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल meaning of this? So the practical meaning is that the seller is actually paying the buyer to take away the oil. Seller ही buyer को पैसे दे रहा है कि भाई मेरा oil आप खरीद लो और उसके लिए मुझे आप कुछ pay भी मत करो, free of cost आप उसको ले लो और उल्टा आप मेरे से भी पैसे ले लो oil purchase करने के बाद, right? So इस तरह से seller जो है वो यहाँ पे pay कर रहा है, राइट? सो ये उल्टी गंगा क्यों भरी है? हाउ दिस इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई इन द यूएस क्रूड मार्केट, राइट? और ऐसा होने की वजह से द स्टोरेज टैंक्स आर बिकमिंग सो फुल दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड स्पेस टू स्टोर दिस ऑयल। सो द सेलर्स जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट ऑयल, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, अब सेलर के पार्ट में तो काफी फूलिश सा हमको लगता है कि यार ऐसा कैसा सेलर है कि उसने अपनी तरफ से अपना प्रोडक्ट भी बेच दिया साथ में उल्टा अपने तरफ से पैसे भी दे दिए, राइट? सो दिस इज नॉट अ फूलिश डिसीजन ऑन द सेलर्स पार्ट बिकॉज उसने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। देखिए, ऑयल की जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और अगर वो इस ऑयल को होल्ड करके रखता है, पहले तो स्पेस नहीं है, अगर कहीं उसको स्पेस मिलता भी है तो वहां तक वो ट्रांसपोर्ट कराएगा, उसको होल्ड करके रखेगा, तो ये होल्डिंग चार्जेस जो हैं वो उसका कॉस्ट है, प्लस फ्यूचर में अगर ऑयल की प्राइसेस और ज्यादा कम हो गई एंड ही इज नॉट एबल टू सेल, तो वो सारे जो रिस्क हैं उस चीज को देखते हुए उसने -$38 में इसको बेच के अपना जो रिस्क है उसको अभी एकदम डाइल्यूट कर दिया, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस ट्रेडिंग हैज एक्चुअली हैपेंड, दिस ट्रांजैक्शन हैज एक्चुअली हैपेंड। और ये अचानक से नहीं हुआ है। जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं, नॉट ओनली इन यूएस क्रूड मार्केट, इट इज ऑल्सो फॉलिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो, राइट? सो इंटरनेशनल मार्केट में ये पूरे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो फॉल हो रहे हैं एंड द रीजन इज द डिमांड सप्लाई मिसमैच। और डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत ज्यादा मिसमैच है बिकॉज COVID-19 के बाद तो डिमांड ज्यादा गिरी है, वो तो हमें पता ही है, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट रनिंग, एयर ट्रेवल इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग्स ऑयल की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा गिरी है। बट उसके पहले से भी जो डिमांड है वो कॉन्स्टेंटली फॉल हो रही थी और सप्लाई जो है वो उतनी कम नहीं हो रही थी, राइट? सो कभी भी क्या होता है कि जब डिमांड कम होने लगती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि अपनी सप्लाई को भी कम कर देता है। तो थ्योरेटिकली तो यही होना चाहिए था ऑयल के साथ, राइट? प्राइस को मेंटेन करने के लिए, बट ऐसा हो नहीं पाया ऑयल के साथ, बिकॉज ऑयल के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। सो बिकॉज ऑफ टू रीजंस दिस कुड नॉट हैपन। सो फर्स्ट रीजन इज कि ऑयल के जो प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं वो कई सारे हैं, राइट? अब उनके बीच में इस तरह का कंसेंसस बनाना कि आप सभी लोग सप्लाई को कम कर दें वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कई कंट्रीज मानते हैं, कई कंट्रीज नहीं मानते हैं। तो अगर कोई कंट्री अपना सप्लाई कम भी कर लेता है तो दूसरा कंट्री अगर उसको एग्री नहीं करता है तो वो दूसरे लोगों के जो कस्टमर्स हैं उनको कैप्चर कर लेगा, राइट? सो इस कंफ्यूजन की वजह से ये सप्लाई जो है वो कम नहीं हो पाई टू मैच विद द डिमांड। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑयल वेल्स होते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, इट इज नॉट दैट सिंपल कि जैसे आपने फैन या बल्ब को स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर दिया उस तरह से आप ऑयल वेल की जो सप्लाई है उसको भी जीरो और एक ऑप्टिमम लेवल तक बाद में उसको आप ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं उसको रिस्टार्ट करने के लिए, इस वजह से उसकी सप्लाई को आप एकदम से बंद नहीं कर सकते। सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस द सप्लाई वॉज ऑलवेज मोर एंड द डिमांड वॉज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग। और उसके बाद में आ गया एक बड़ा डिजास्टर, COVID-19। उसके बाद में तो हमें पता ही है, लॉकडाउन हो गया बहुत सारे कंट्रीज में, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो ऑयल की डिमांड वैसे भी गिर रही है। तो इस वजह से ये गिरता जा रहा है और अब हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि फर्दर इसके साथ क्या होता है, राइट? सो दैट वॉज अबाउट द करेंट टॉपिक विच वॉज हैपनिंग। सो अभी करेंटली जो चल रहा था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की ऑयल की जो प्राइसिंग होती है वो कैसे होती है, राइट? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कि पेट्रोलियम जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है।
तो पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन है वो आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट सभी लोगों का, बट जस्ट एज अ रिफ्रेशर। सो जो हमारा सी है उसके अंदर मरैन ऑर्गेनिजम्स हमको मिलते हैं, फिशेस वगैरह, ऑक्टोपस वगैरह, ये सारी जो मरैन ऑर्गेनिजम्स हैं वो 30 से 40 करोड़ साल पहले जो है धीरे धीरे मर के जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे ये सारे के सारे, वो समुद्र की जो तलहटी होती है, जो बेस होता है, वहां पे ये इकट्ठे होते गए। उसके बाद उसके ऊपर सेडिमेंट डिपॉजिट होता गया, और इस सेडिमेंट और जो रॉक्स डिपॉजिट हुए उनके ऊपर उसके प्रेशर और हाई नीचे टेम्परेचर होने की वजह से ये कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम के अंदर, राइट। सो आज हम जब ऑयल वेल को ड्रिल करके, डिग करके जब पेट्रोलियम निकालते हैं तो इन्हीं मराइन ऑर्गेनिजम्स का एक्चुअली रिमेन हम निकाल रहे होते हैं। सो दैट इज हाउ दीज फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड। सो ओशन में इस तरह की एक्टिविटी हुई, सिमिलर एक एक्टिविटी हुई हमारे ग्राउंड के ऊपर भी। तो ग्राउंड के ऊपर जो ट्रीज थे वो भी इस तरह से जमीन के नीचे दब गए और उसके ऊपर फिर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वहां पे एक और फॉसिल फ्यूल फॉर्म हुआ जो हम काफी यूज करते हैं मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, और वो है कोल, राइट। सो कोयला जो है या कोल है वो भी इसी तरह से फॉर्म हुआ, और कोल का भी कुछ पोर्शन ऐसा था जिसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई हुआ और वहां से फिर प्रोड्यूस हुए डायमंड्स, राइट। और डायमंड जो है वो भी कार्बन ही है बेसिकली, एक एलोट्रॉफ है कार्बन का। सो दिस इज हाउ दिस फॉसिल फ्यूल इज फॉर्म्ड। अब ये क्रूड ऑयल जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, आप सोसाइटी के किसी भी सेक्शन से आते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हैं जो पेट्रोलियम से डिराइव किया होता है, राइट। सो पेट्रोलियम जो है, क्रूड ऑयल जो है, जो अर्थ से निकाला जाता है, वो कच्चा तेल है, वो रॉ मटेरियल है, उसमें से आपको जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं डिराइव करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी रिफाइनिंग जो होती है रिफाइनिंग कंपनीज के अंदर, राइट। सो उसमें किया क्या जाता है, एक प्रोसेस होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई की जाती है। तो बेसिकली इसमें क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है, और जब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलता है इससे। सो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हमें मिलता है एलपीजी, उसके बाद में टेम्परेचर और बढ़ता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है तो हमें मिलता है पेट्रोल, उसके बाद में नेफ्था एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस नेफ्था इज यूज फॉर केमिकल्स। केरोसिन मिलता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, केरोसिन को यूज करते हैं हम जेट फ्यूल वगैरह में, और अदर यूजेस भी हैं उसके। उसके बाद में डीजल 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह, वैक्सेस वगैरह, पॉलिशेस वगैरह मिलती हैं। इवन द वैसलीन जेली, द वैसलीन व्हाट वी यूज ड्यूरिंग द विंटर्स, इट इज ऑल्सो पेट्रोलियम जेली, उस पर लिखा भी रहता है पेट्रोलियम जेली, बिकॉज इट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम। सो डे टू डे यूसेज की बहुत सारी जो चीजें हैं, हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो सारी की सारी फुलफिल होती है इसी क्रूड ऑयल की वजह से, और जो वर्ल्ड की जो एनर्जी डिमांड है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो क्रूड ऑयल से फुलफिल होता है। हमारा जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है मेनली क्रूड ऑयल के ऊपर ही रन हो रहा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनरल, राइट। सो दिस इज ऑल्सो मिनरल ओनली बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम द अर्थ। और मॉनेटरी टर्म्स में अगर इसको देखें तो आप देखिए, एक्सपोर्ट्स के टर्म्स में अगर हम इसको देखें तो इट इज द नंबर वन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, राइट। सो 6% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ ऑयल है, ओके। और इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना कंज्यूम हो रहा है, इतना ज्यादा हमारे लिए अगर इंपॉर्टेंट है, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे पास है कितना ऑयल रिजर्व, राइट। सो दुनिया में कितना तेल है हमारे पास और वो कितने दिन तक चलेगा। सो हमारे पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो है अराउंड 1.73 ट्रिलियन बैरल्स के आसपास, और ये हमारे सिर्फ अगले 50 साल के लिए सफिशियंट है। सो उसके बाद क्या, उसके बाद हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और हमारा भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत हमारा जो टारगेट है वो 175 गीगावाट का है, राइट, फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो ये हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सो दिस इज वन एस्पेक्ट की जो कंट्रीज इसको कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। दूसरा एक और एस्पेक्ट इसका ये है कि जो कंट्रीज अभी लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, किंग्स हैं, और बहुत पैसा कमा रहे हैं इस ऑयल को बेच करके, उनका क्या होगा 50 ईयर्स के बाद। सो इसीलिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनके पास ऑयल रिजर्व हैं, वो या तो उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या तो फिर उसको अपने इकोनॉमी है उसके सेक्टर्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, राइट। एक और चीज ये हो रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी और पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इसके तरफ लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ रही है, इस वजह से फॉसिल फ्यूल्स को लोग अपोज भी कर रहे हैं, बट डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि एज अ नेसेसरी इविल वी हैव टू कंटिन्यू टू यूज इट, राइट। एंड जो हमारे वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स हैं अब वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं और सबसे ज्यादा किसके पास है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो है हमारा वेनेजुएला के पास, विच इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री। उसके बाद दूसरा बड़ा रिजर्व है सऊदी अरेबिया के पास, और फिर आता है तीसरे नंबर पर कनाडा। सो इन द टेबल इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन जस्ट सी द टॉप 10 कंट्रीज विच आर हैविंग द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो सबसे ऊपर आता है आपका वेनेजुएला, फिर है आपका सऊदी अरेबिया, उसके बाद में है कनाडा। सो टॉप 3 कंट्रीज तो आपको एटलीस्ट याद करने ही है, उससे ज्यादा आप याद करें तो अच्छी बात है। और इनकी जो कैपेसिटी है, इनके जो ऑयल रिजर्व्स की जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे इंडिकेट की गई है। सो 303 बिलियन बैरल्स जो है वेनेजुएला की कैपेसिटी है, एंड इट इज अराउंड 18% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स, राइट। उसी तरह से सऊदी अरेबिया भी इससे कुछ ज्यादा दूर नहीं है, इट इज अराउंड 17%, 298 बिलियन बैरल्स, राइट। उसके बाद में जो यूएसए है, जो काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसका रैंक है 9th, राइट। सो दिस इज अबाउट द ऑयल रिजर्व। अब हम आते हैं ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर।
तो रिजर्व्स और जो प्रोडक्शन है वो दोनों काफी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बिकॉज हो सकता है आपके पास रिजर्व्स जो है वो काफी ज्यादा हो, बट हाउ मच आर यू एक्सट्रैक्टिंग, हाउ मच ऑयल आर यू प्रोड्यूसिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो देखिए यूएस जो है वो यहाँ पे टॉप करता है 2019 के जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से। तो यूएस ने सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया 2019 के अंदर, इवन दो इट इज एट द नाइन्थ रैंक इन द इन टर्म्स ऑफ द रिजर्व्स, ओके, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग मोर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया, फिर आता है रशिया। तो एटलीस्ट तीन कंट्रीज आपको यहाँ पर भी याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन। ये रैंकिंग चेंज होती रहती है हर साल बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, बट जो टॉप 10 कंट्रीज होते हैं वो मोर और लेस वहीं आपस में रोटेट होते रहते हैं। राइट नाउ आफ्टर सीइंग द वर्ल्ड रिजर्व्स एंड द प्रोडक्शन, लेट अस सी द एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो यूएसए जो है वो टॉप प्रोड्यूसर था, बट इट इज नॉट टॉप एक्सपोर्टर, बिकॉज यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे मिलेगा ये। टॉप एक्सपोर्टर इसलिए नहीं है बिकॉज इसकी जो इंटरनल डिमांड्स हैं वो भी काफी ज्यादा है, इसलिए अपनी इंटरनल डिमांड्स को मीट करने में भी इसका काफी ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो टॉप जो एक्सपोर्टर है वो है सऊदी अरेबिया, सेकंड नंबर पे है रशिया, उसके बाद में थर्ड नंबर पे है इराक। राइट तो आप रशिया को देखिए, रशिया के जो रिजर्व्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं है बट एक्सपोर्टर ये काफी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि रशिया के जो रिजर्व्स हैं वो काफी जल्दी डिप्लीट हो जाएंगे अगर वो इसी रेट से एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन करता रहा। राइट उसके बाद में देखिए आपको ये तीन चार्ट जो हमने दिखा है उसमें इंडिया का नाम आपको कहीं नहीं मिला, तो इंडिया में ऑयल रिजर्व्स है भी नहीं इतने ज्यादा, तो प्रोडक्शन भी नहीं होता है, ओके, और एक्सपोर्ट हम कहाँ से करेंगे जब एक प्रोडक्शन ही नहीं होगा। लेकिन अब हम चौथी टेबल यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑयल कंजम्पशन के बारे में, कि सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है। तो यहाँ पे आपको इंडिया का नाम देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो रैंक है वो है यूएस का, उसके बाद में आता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है उसको एक रैंकिंग नहीं दी गई है बिकॉज इट इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज, ओके। तो सेकंड रैंक जो है वो है चाइना का और थर्ड रैंक जो है वो इंडिया का। तो यूएस के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है कि यूएस जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल भी है और वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल भी है, ओके। उसके बाद में इंडिया के लिए आपको ये समझना है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल। राइट तो एक अच्छी चीज भी इसमें यह है कि इतना हम क्रूड ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा मतलब फंक्शनल है, सो वो चीज अच्छी है। लेकिन हमारे पास वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स नहीं है, हमारा इतना प्रोडक्शन नहीं है, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट, ये हमारे लिए खराब बात है। राइट सो इम्पोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट है और इंडिया की जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है उसका 80% के आसपास का जो पोर्शन है वो हम इम्पोर्ट से ही फुलफिल करते हैं। इसी वजह से जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है तो हम लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है, हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो इंपैक्ट होने लग जाता है। राइट दैट इज व्हाई वी आर सो मच वरीड अबाउट द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो हमें ये स्टडी करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए जो फिगर दिया गया है 5 मिलियन के आसपास का है ना, 5 मिलियन बैरल्स पर डे, एक दिन में 5 मिलियन बैरल्स का कंजम्पशन है हमारा। अब मान लीजिए इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में एक बैरल के ऊपर $1 का इंक्रीज हो जाता है, जस्ट $1, तो हमारा देखिए कितना खर्चा हो जाएगा, एक दिन के अंदर में $5 मिलियन का खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ओके। सो दिस इज व्हाई वी आर वेरी मच वरीड अबाउट द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, ओके। नाउ ओपेक की हमने कई बार बात की, तो ओपेक को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, बिकॉज अगर ऑयल के बारे में पढ़ रहे हैं और ओपेक के बारे में हमने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब हमारी जो स्टडी है वो अधूरी रहेगी। तो ओपेक जो है इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। और पेट्रोलियम और जो पेट्रोल है ना, इसको कई लोग इंटरचेंज करके इस टर्म को यूज करते हैं, ऐसा नहीं करना है। पेट्रोलियम इज द क्रूड ऑयल और पेट्रोल इज वन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ पेट्रोलियम। राइट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने देखा डीजल पेट्रोल, इस तरह से पेट्रोल हमें मिला, तो पेट्रोल एंड पेट्रोलियम आर नॉट द सेम, ओके। सो दिस इज बेसिकली अ कार्टल ऑफ ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है 13 कंट्रीज, उनका एक कार्टल है। कार्टल क्या होता है, कार्टल का आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कभी मार्केट में जाते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट हो सकता है वहां पे 10 दुकानों में अवेलेबल हो, और आप एक दुकान के पास गए और आपने देखा कि ये प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा उसने लगाया हुआ है, और वो सेलर को भी मालूम है कि ये अनरीजनेबल प्राइस है, बहुत ज्यादा मैं चार्ज कर रहा हूँ, और आपको भी मालूम है कि ये अनरीजनेबल प्राइस है और मैं बहुत ये बहुत ज्यादा मैं मेरे को इसको पे करना पड़ेगा, तो आप दूसरे शॉप में जाते हैं, बट दूसरे शॉप में भी आपको सेम प्राइस देता है, नो वन इज रेडी टू बार्गेन, ओके। एंड यू विजिट ऑल द 10 शॉप्स एंड नो वन इज कॉपरेटिंग। राइट सो इस चीज को बोला जाता है कार्टल, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि कोई भी कंज्यूमर हमारे पास आएगा तो हम यही प्राइस उसे चार्ज करेंगे। राइट सो दिस इज कॉल्ड कार्टल, इसको कार्टलाइजेशन कहा जाता है। तो छोटे लेवल पे हम देखते ही हैं और बड़े लेवल पे भी ये देखिए दुनिया में ऐसी चीजें हो रही हैं। सो दिस इज एक्चुअली एंटी मार्केट एंड दिस इज एक्चुअली एंटी कॉम्पिटिशन। तो इंडिया में जब ऐसी चीजें होती हैं तो विच इज द एजेंसी विच मॉनिटर्स दीज थिंग्स, प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो मेंबर्स हैं वो है इसमें 13 मेंबर्स, और इनका जो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो थी 1960 में बगदाद में। देखिए बेसिकली क्या हुआ था कि जब क्रूड ऑयल जब एक्सट्रैक्ट किया गया और इसका इंडस्ट्रियल यूज वगैरह लोगों को पता चला और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह की टेक्निक्स जब डेवलप हुई, तो यूएस जो है वो वर्ल्ड को लीड करता था। यूएस ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, वही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था क्रूड ऑयल का, वही मार्केट लीडर हुआ करता था। बट धीरे धीरे अदर कंट्रीज में भी एक्सप्लोरेशन हुआ, एक्सट्रैक्शन वगैरह स्टार्ट होने लगा,
तो उनके पास भी धीरे धीरे कस्टमर्स पहुंचने लगे। बट क्या होता है, जब कंपटीशन होता है मार्केट में काफी ज्यादा, तो जो कंज्यूमर है वो तो काफी खुश होता है, बिकॉज उसको वैल्यू फॉर मनी मिलता है और उसको कम प्राइस में चीजें मिलती हैं कंपटीशन होने की वजह से। बट जो सेलर होता है उसका ये पेन पॉइंट होता है कि यार कंपटीशन अगर ज्यादा होगा तो हमें कम मार्जिन में ऑपरेट करना पड़ेगा, वी विल हैव ओनली नैरो प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट? दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया। जियो के आने के बाद में सबके प्रॉफिट मार्जिन्स कितने कम हो गए। एयरलाइन इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, इंडिगो की वजह से जो सारे एयरलाइंस हैं उनको कितना लॉस होता है, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू नो देयर इज टफ कॉम्पिटिशन इन एनी सेक्टर, राइट? सो इस कॉम्पिटिशन को ओवरकम करने के लिए, एक्चुअली अनएथिकल है ये मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, यू मे हैव योर ओन व्यू। सो इन्होंने अपना एक कार्टल फॉर्म किया, इन्होंने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, 1960 में ये पांच कंट्रीज इकट्ठे आए एक साथ, और इन्होंने बोला कि वी विल ऑपरेट एज अ ग्रुप, ठीक है? इंडिविजुअल कंट्री की तरह हम ऑपरेट नहीं करेंगे, हम एज अ ग्रुप ऑपरेट करेंगे और अपना नाम रखेंगे ओपेक, और हम डिसाइड करेंगे कि किसको ये तेल बेचना है, किसको नहीं बेचना है, किसको कितने प्राइस में हम देंगे, राइट? कितना सप्लाई करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना एक्सट्रैक्ट करना है, सारी सारी चीजें हमें एज अ ग्रुप डिसाइड करेंगे। सो ये सारी चीजें इन्होंने करना स्टार्ट किया, और 1973 में यूएस में एक बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस हुआ था, तो इन्होंने यूएस को रुला दिया था उस टाइम पे। यूएस में ऑयल की जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, बिकॉज ओपेक कंट्रीज ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, यूएस के ऊपर, कि हम इनको ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, राइट? सो दिस वॉज द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्टल। और 1973 में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1973 में एक वॉर हुई थी, योम किपुर वॉर, राइट? और ये हुई थी इसराइल के साथ, जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है उनके उनके और इसराइल के बीच में, और इसराइल को सपोर्ट किया था यूएसए एंड सम अदर कंट्रीज। सो इस वजह से उससे नाराज होकर इन कंट्रीज ने, ओपेक कंट्रीज ने यूएस को ऑयल की सप्लाई बंद कर दी थी 1973 के आसपास। दैट इज व्हेन दे हैव स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन अवर अदर लेक्चर ऑल्सो, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वाला जो लेक्चर है उसमें भी डिस्कस हमने किया था। 1973 के बाद में यूएस ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया आफ्टर द 1973 फ्यूल क्राइसिस, राइट? और इनका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में, एंड टिल 1965 इट वॉज इन जेनीवा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि ऑस्ट्रिया उनका मेंबर भी नहीं है वैसे, बट हेडक्वार्टर इन्होंने ऑस्ट्रिया में रखा हुआ है। उसके बाद में 44% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन जो है वो ओपेक कंट्रीज से आता है, ये इनकी पावर है, और 82% ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व जो है वो ओपेक कंट्रीज में है, राइट? सो दिस इज वाई दे डोमिनेट द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट। तो ये लोग हैं डिसीजन मेकर्स, ये लोग डिसाइड करते हैं ऑयल के प्राइसेस मेनली, कितना सप्लाई करना है, क्या करना है। बट इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन जब फेल हो जाता है, जैसा कि अभी हमने देखा फर्स्ट स्लाइड में, तो उस टाइम पे डिमांड और सप्लाई की जो मिसमैच होता है उसकी वजह से प्राइसेस गिर जाते हैं और उससे इन्हीं को लॉस होता है, राइट? और ओपेक जो है रिसेंटली ओपेक प्लस के फॉर्म में भी ऑपरेट कर रहा था, तो ओपेक प्लस का जब कहीं पर जिक्र है तो ओपेक प्लस का मतलब होता है कि ओपेक प्लस रशिया, ठीक है? तो रशिया को भी वो इस एम्बिट में लेके थोड़ा सा उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बट रशिया कई बार उनकी नहीं सुनता है, राइट? नाउ लेट अस सी कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो किस तरह से डिसाइड होती हैं। तो देखिए, जो क्रूड ऑयल डिराइव किया जाता है, से जो निकाला जाता है, तो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में जो ऑयल निकलता है उसकी क्वालिटीज भी अलग अलग होती हैं। यूएस में जो ऑयल आप निकालेंगे उसकी क्वालिटीज अलग होती हैं, वो अलग ग्रेड का होता है। जैसे हम कोल के भी कई ग्रेड्स पढ़ते हैं ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, तो ये चार तरह का कोल होता है। एक अच्छी क्वालिटी का है, फिर दूसरा सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, इस तरह से होता है, राइट? पीट को तो कई लोग कोल बोलते भी नहीं है। तो इस तरह से पेट्रोलियम के भी कई ग्रेड होते हैं, और उसके जो मेन ग्रेड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, हमारे लिए, हम जिसमें इंटरेस्टेड है, वो है सिर्फ चार। एक होता है WTI ग्रेड का पेट्रोलियम, दूसरा होता है ब्रेंट, राइट? BRENT, ब्रेंट, और तीसरा होता है दुबई, दुबई ग्रेड, और चौथा होता है ओमान, राइट? सो ये चार हमें ग्रेड, इसमें हम इंटरेस्टेड है, और मेनली हम डिफरेंस देखेंगे WTI ग्रेड और ब्रेंट ग्रेड के बीच में। तो ब्रेंट ग्रेड जो है वो एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से वो मेजर है, और ब्रेंट ग्रेड जो है वो 2/3 ऑफ द सप्लायर्स जो है वो ब्रेंट ग्रेड को यूज करते हैं। तो ब्रेंट इंडेक्स पे जो प्राइस चल रही होती है वो उसी पे सेल करते हैं। WTI मेनली यूएस में यूज होता है, ब्रेंट जो है मेनली यूके में यूज होता है और जो अदर कंट्रीज हैं वहां पे, और दुबई जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज यूज करते हैं, दुबई और ओमान का जो स्केल है, ठीक है? तो दीज आर नथिंग बट द वेरियस ग्रेड्स। अब हम दो ग्रेड्स के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। एक है WTI, वेस्टर्न वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट, और दूसरा है हमारा ब्रेंट, राइट? इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, WTI जो है वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट, ये यूएस का स्टैंडर्ड है, ओके?
और यूएस से जो आपको क्रूड ऑयल मिलेगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो बाकियों से अलग होती हैं। उसकी प्रॉपर्टी पहले ये अलग होती है कि उसमें जो डेंसिटी होती है, जो उसकी जो उसका घनत्व होता है, दैट डेंसिटी इज वेरी लो एंड दिस इज अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी। जो क्रूड ऑयल हमें मिले उसकी डेंसिटी लो ही होनी चाहिए। अगर वो डेंसिटी लो होती है तो उसका जो रिफाइनिंग होती है वो काफी ईजी हो जाता है, राइट। और दूसरी चीज इसमें एक और खास बात होती है कि दिस इज स्वीट। स्वीट मतलब टेस्ट करने में स्वीट नहीं होता है। इट हैज लो सल्फर कंटेंट। इसका सल्फर कंटेंट 0.26% के आसपास होता है। इस वजह से ये काफी अच्छा माना जाता है। तो यूएस का जो WTI ग्रेड का जो ऑयल है दैट इज कंसिडर्ड सुपीरियर, उसको सबसे अच्छा माना गया है। ओके और इसके जो प्राइस है वो ब्रेंट से काफी कम रहता है। और ब्रेंट को अगर इससे कंपेयर करें तो इसकी डेंसिटी स्लाइटली हायर है, विच इज नॉट डिजायरेबल। इसकी जो सल्फर जो कंटेंट है इसका वो भी थोड़ा हायर है, विच इज नॉट डिजायरेबल। तो इट इज लेस स्वीट। ओके सो स्वीटर ऑयल हमें ज्यादा पसंद होता है। उसके बाद में वी कम टू द प्राइसिंग। तो प्राइसिंग एक्चुअली ब्रेंट का कम होना चाहिए लॉजिकली, बिकॉज ब्रेंट ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन है वो नॉर्थ सी में होता है, यूके के आसपास में, नॉर्वे के आसपास में जो सी है, नॉर्थ सी, वहां से होता है। तो सी में जब एक्सट्रैक्शन होता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होता है, क्योंकि सी से निकला और आपने शिप में डाला और फिर भेज दिया। लेकिन उसी तरह से यूएस में जो एक्सट्रैक्शन है वो टेक्सास में हो रहा है, नॉर्थ डकोटा में हो रहा है, इस तरह की प्लेसेस में हो रहा है जो कि लैंड लॉक्ड है, जो कि जमीन के अंदर है, मीन्स दे आर नॉट एट द कोस्ट। ठीक है, अब उससे क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। आपको सबसे पहले कोस्ट पर पहुंचाना है थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट हमेशा वाटर ट्रांसपोर्ट से महंगा होता है। उसके बाद में आपको शिप में लोड करके फिर आगे आप भेजेंगे। तो आइडियली तो इसका प्राइस लॉजिकली तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका प्राइस रहता है ब्रेंट से कम। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द शेल रिसोर्सेज। तो यूएस ने क्या किया है रिसेंटली, शेल जो पेट्रोलियम है या जो शेल गैस है उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज दे हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, फ्रैकिंग, ये सब टेक्नोलॉजीज इन्होंने डेवलप की है, और शेल रिसोर्सेज को भी इन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से ये अपना जो पेट्रोलियम है उसका प्राइस कम रख पाते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल भी जाएगा। आप यहाँ नीचे वाले इस ग्राफ में देखिए, जो लाइट ब्लू कलर की जो इंडेक्स है दैट इज ब्रेंट, ब्रेंट मतलब आपका यूके वाला, और जो नीचे जो डार्क ब्लू कलर का है दैट इज WTI मतलब यूएस वाला। तो यूएस वाला हमेशा नीचे ही चल रहा है, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, राइट। सो फ्लक्चुएशन तो दोनों में लगभग सेम टाइम पे आते हैं, दोनों एक सेम टाइम पे ही गिरते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल डिमांड वगैरह है वो दोनों को इम्पैक्ट करती है। बट फिर भी जो यूएस का जो स्टैंडर्ड है WTI वो इट इज ऑलवेज चीपर एंड इट इज ऑल्सो ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी। तो ये दो चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। लेकिन हम खरीदते हैं क्या ये ऑयल? WTI का जो ऑयल है काफी ज्यादा सुपीरियर है और ये सब है, बट वॉट आर वी परचेजिंग? इंडिया का जो क्रूड ऑयल बास्केट है हम कहाँ से ले रहे हैं, और हमारी प्राइसेस जो है वो इसी से डिसाइड होंगी कि हम कहाँ से ये ऑयल जो है वो प्रोक्योर कर रहे हैं। तो ये हम कुछ एक इंडेक्स लेके आए हैं रिसेंट, आपके लिए कुछ डेटा लेके आए हैं फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ PPAC, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में काम करती है ये एजेंसी, और ये डिसाइड करती है कि कब हमको कितना क्रूड ऑयल खरीदना है, कहाँ से खरीदना है और कितना कौन सी कंट्री से खरीदना है, राइट। एंड और 2 अप्रैल का डेटा है हमारे पास, और 2019-20 का पीरियड है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल रिप्रेजेंट्स अ डिराइव्ड बास्केट कंप्राइजिंग ऑफ सार ग्रेड, ओमान एंड दुबई एवरेज। ठीक है, तो ओमान और दुबई ये दो एवरेज हमारे लिए एप्लीकेबल हैं, राइट। और इनका जो ऑयल है, बिकॉज हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज से मेनली अपना ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, और इनका जो ऑयल है इट इज नॉट स्वीट, मतलब सल्फर कंटेंट इसमें हाई है, तो इट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, राइट, एज कम्पेयर टू द WTI, राइट। और ब्रेंट भी हम थोड़ा सा परचेज करते हैं जो यूके स्टैंडर्ड वाला है, ब्रेंट स्टैंडर्ड वाला स्वीट ग्रेड का, और इसका जो प्रपोर्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 70% हमारा ऑयल जो है वो मिडिल ईस्ट से आ रहा है, जो दुबई एंड ओमान स्टैंडर्ड वाला ग्रेड वाला, और हमारा जो बाकी का 25% जो इम्पोर्ट है जो आ रहा है वो है हमारा स्वीट ग्रेड का, ब्रेंट ग्रेड वाला। ठीक है, सो ब्रेंट एंड ओमान एंड दुबई, दीज स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल फॉर अस। WTI तो हमारे लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। इसीलिए जब ये न्यूज जब आई कि WTI इंडेक्स में एकदम से प्राइसेस बहुत गिर गए, नेगेटिव हो गए हैं और बहुत ज्यादा कम चल रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया पे बोलने लगे अब तो गवर्नमेंट को प्राइसेस कम कर देने चाहिए एंड लोगों को बेनिफिट देना चाहिए एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि WTI का हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली वी शुड कमेंट ऑन सच कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स, राइट। नाउ आप यहाँ पे देख लीजिए कि प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है वो किस तरह से हुआ। तो अप्रैल 2019 पिछले साल की बात हो रही है यहाँ पे, तो $71 के आसपास हम प्रोक्योर कर रहे थे ऑयल को। उसके बाद में धीरे धीरे कम होते 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 अभी मार्च 2020 जो रिसेंटली अभी जो मार्च गया है उसमें हमने $33.36 में इस ऑयल को प्रोक्योर किया है। तो प्राइसेस काफी गिरे हैं, तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे काफी अच्छा इंपैक्ट आएगा इसका। बट वी आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम अनदर प्रॉब्लम ऑफ COVID-19,
तो वो सब कुछ नलीफाई हो गया। ठीक है, सो नाउ लेट अस ऑल्सो डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑयल इंडस्ट्री। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए ये चीज़ भी। ऑयल इंडस्ट्री जो है, ऑयल इंडस्ट्री मतलब जब एक्सट्रैक्शन होता है अर्थ के अंदर से, क्रूड ऑयल हम निकालते हैं, उसके बाद रिफाइन करते हैं, फिर उसको पैकेज करके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। आपके घर में गैस सिलेंडर आता है, आप जाते हैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाते हैं। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है, इस सप्लाई चेन को हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे पहले आता है हमारा अपस्ट्रीम सेगमेंट, उसके बाद में मिड स्ट्रीम सेगमेंट, और उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है डाउन स्ट्रीम सेगमेंट। तो अपस्ट्रीम सेगमेंट जो है, उसका काम ये होता है कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन किया जाए। तो ऐसी कंपनीज जो एक्सप्लोरेशन का काम करती हैं, बिकॉज ऐसा कोई फ्रूट तो है नहीं जो पेड़ पे लगा हुआ है और आपको दिख रहा है, इट इज अंडर द अर्थ। तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर है और कहाँ पर अवेलेबल है, फिर उसके बाद में उसको इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली और फिजिबली आपको टेक्निकली उसको एक्सप्लोर करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ड्रिल करने पड़ेंगे, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जो करती हैं कंपनीज, वो अपस्ट्रीम सेगमेंट में काम करती हैं। तो इस चीज को बोला जाता है अपस्ट्रीम सेगमेंट, राइट? सो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। और इंडिया की कौन सी कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में काम करती हैं? दोस कंपनीज आर ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सो दीज आर बेसिकली PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, दे डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद में जो मिड स्ट्रीम सेगमेंट होता है, उसका काम होता है जब एक्सप्लोरेशन हो जाए और एक्सट्रैक्शन हो जाए, क्रूड ऑयल बाहर निकल के आ गया अर्थ से, उसके बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करके रिफाइनरीज तक पहुंचाना है। ठीक है, सो बेसिकली दे विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन आपका लैंड के ऊपर हो सकता है, सी के ऊपर कंटेनर शिप्स के थ्रू हो सकता है, और पाइपलाइंस के थ्रू भी हो सकता है। सो दीज कंपनीज आर डीलिंग विद द ट्रांसपोर्टेशन, राइट? सो मिड स्ट्रीम सेगमेंट इज डीलिंग विद दैट। उसके बाद में आता है आपका डाउन स्ट्रीम सेगमेंट, जो कंज्यूमर के साथ डील करता है। तो इसमें होता है आपका रिफाइनिंग, रिफाइनिंग के बाद में आपको मार्केटिंग करनी होती है, पैकेजिंग वगैरह करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, डीलर्स तक पहुंचाना होता है, जो डीलर्स आपके जो LPG के जो डीलर्स हैं वहां तक तो पहुंचता है, और जो आपके जो पेट्रोल पंप्स हैं लोकल वहां तक ये पहुंचाया जाता है। उसके बाद में आप उसको वहां से परचेज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, राइट? सो ये जो कंपनीज हैं, ये आपके डाउन स्ट्रीम सेगमेंट में काम करती हैं। और ऐसी कंपनीज जो इंडिया में है, वो है जैसे IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो दीज आर द मेन कंट्री कंपनीज विच आर डीलिंग इन विद द डाउन स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री, राइट? अब इंडिया में जो ऑयल की जो प्राइसिंग है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये तो समझ ही लिया है कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है इंडिया के लिए, वो किस तरह से काम करती है। जो हमारा जो इंडेक्स है, वो बेसिकली दुबई, ओमान एंड ब्रेंट, इन तीन चीजों के ऊपर टिका हुआ है। तो वहां से हमें जो प्राइसेस मिलेंगे, जो अच्छे फेवरेबल प्राइसेस मिलेंगे, वो सारी चीजें लेने के बाद में हम उसको प्रोक्योर करेंगे। तो मान लीजिए बेस प्राइस हमारा हुआ कुछ प्रोक्योर करने का ₹1, ठीक है? ₹1 में 1 लीटर हमको मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, या 1 बैरल मिल रहा है, कोई भी आप यूनिट ले लीजिए। उसके बाद में आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे इंडिया में, तो आपको देना पड़ेगा ओशियन के जो फ्रेट चार्जेस हैं, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, इंश्योरेंस के चार्जेस हैं। ये सारे चार्जेस देने के बाद में जब वो रिफाइनरीज तक पहुंचेगा, तो रिफाइनरीज को जो प्राइस पे करना पड़ेगा, दैट इज एक्स प्लस दिस ऑल द ओवरहेड्स, राइट? सो दैट प्राइस इज नोन एज द रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस, जिसपे रिफाइनरी को वो क्रूड ऑयल मिलता है, राइट? उसके बाद में रिफाइनरी क्या करेगी, उसको रिफाइन करेगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, प्रोडक्ट्स निकाले जाएंगे, उसको पैकेजिंग की जाएगी, और उसको फिर ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा डीलर्स तक। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है, वो ऐड कर दी जाती है रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस में, RTP में, ये चीजें ऐड कर दी जाती हैं। और उसके बाद में जो प्राइस आता है, दैट इज चार्ज टू द डीलर्स। तो उसके बाद जो प्राइस आपने ऐड करके निकाला, वो डीलर्स को आप चार्ज करेंगे। अब डीलर क्या करेगा, डीलर को अपना मार्जिन भी लेना है, राइट? सो ही इज डूइंग दैट जॉब बिकॉज ऑफ सम प्रॉफिट, राइट? सो ही विल चार्ज सम मार्जिन और द कमीशन। तो डीलर का कमीशन निकालने के बाद, उसके बाद में टैक्सेस निकालने के बाद, उसमें ऐड करने के बाद, जो प्राइस निकलेगा वो आपको देना है, राइट? सो दैट इज द प्राइस फॉर द कंज्यूमर। और जो टैक्सेस हैं, वो भी दो तरह के टैक्सेस होते हैं। एक होता है सेंटर जो टैक्स लगाता है, केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है, यानी एक्साइज ड्यूटी, और दूसरा जो स्टेट लगाती है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैट, राइट? सो फ्यूल एक ऐसा सेगमेंट है जो GST से बाहर रखा गया, बाकी जगह पे वैट और एक्साइज खत्म हो गए हैं, बट GST अभी भी लागू नहीं हुआ है फ्यूल सेगमेंट में, यहाँ पे वैट और एक्साइज ड्यूटी चल रहा है। एक और दूसरा सेगमेंट है एल्कोहल, वहां पर भी एक्साइज ड्यूटी और बैट चल रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ योर फाइनल प्राइस इज अराइव्ड एट। सो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपकी फाइनल प्राइस को अराइव करने के लिए। और वैट और जो एक्साइज ड्यूटी है, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी फंडिंग के लिए, उनके जो टैक्स रेवेन्यू है उसके लिए, राइट? और आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एक और फिगर हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं, 16 अप्रैल 2020 की फिगर्स हैं, हमने IOCL की जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड की है ये, और डेली के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो इससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। सो देखिए, जो बेस प्राइस है, जो रिफाइनरी के लिए जो बेस प्राइस है ना, जब रिफाइनरी ने अपना सारा काम कर दिया, उसके बाद में पेट्रोल का जो रेट है, एक्चुअली ₹27.96 है, ₹27 का पेट्रोल है। उसके बाद में फ्रेट जो है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, वो लगा देते हैं उसके ऊपर 32 पैसा।
तो प्राइस हो जाता है 28.28, राइट। सो दिस प्राइस द डीलर हैज टू पे, जो आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जो पेट्रोल पंप का जो मालिक है वो देगा 1 लीटर का 28 रुपए। सो दिस इज द कॉस्ट फॉर हिम, बट वो आपको देता है 70 रुपीज में, 69 रुपीज में। तो बीच में ये सारी चीजें क्या ऐड हो गई, बीच में ऐड हो गया आपका एक्साइज ड्यूटी जो सेंटर ने चार्ज किया, 22 रुपए एक्साइज ड्यूटी ऐड हो गया, और डीलर का जो कमीशन है 3 रुपए, 3.5 रुपए डीलर चार्ज कर रहा है करेंटली, ₹3.54 per liter। सो ये एक्चुअल फिगर्स है 16 अप्रैल 2020 के दिल्ली के अंदर, राइट। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल, दिस इज एक्चुअल्स, राइट। सो 28 रुपीज का जो पेट्रोल, उसके ऊपर 22 रुपीज का एक्साइज लगा, उसके बाद 3.54 रुपीज का डीलर का कमीशन लगा, फिर उसके बाद में स्टेट भी अपना टैक्स लगाता है, वैट लगाता है, वो है 14.79 रुपीज, और उसके बाद में फाइनल जो प्राइस है जो आप पे करते हैं अपनी पॉकेट से, दैट इज 69.59, और बेस प्राइस क्या था 27.96। सो इन बिटवीन ऑल दीज कंपोनेंट्स हैव एडेड अप, राइट। और ये जो प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म है, ये पहले डिफरेंट हुआ करता था, 2017 के बाद में ये चेंज हो गया, जून 16, 2017 से ये मैकेनिज्म चेंज हुआ। इसके पहले जो हम मैकेनिज्म फॉलो करते थे वो था एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब था कि गवर्नमेंट जो थी वो 15 दिन के लिए डिसाइड कर देती थी कि ये प्राइस है, 72 रुपीज पर लीटर का पेट्रोल मिलेगा और 60 रुपीज पर लीटर का डीजल मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 15 दिन के लिए। तो जो भी पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, कहीं भी आप जाएंगे तो एक ही रेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 2017 के बाद में ये जो फ्रीडम है प्राइस डिसाइड करने की, ये डायनेमिक प्राइसिंग मैकेनिज्म के तहत ये दे दी गई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि आप अपना प्राइस खुद ही डिसाइड कीजिए, राइट। सो दैट इज वाई इफ यू गो टू इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप नाउ, द प्राइसेस मे बी डिफरेंट फ्रॉम अ भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप, राइट। सो ऐसा हो सकता है। और पहले फोर्टनाइटली इस चीज़ को अपडेट किया जाता था, 15 दिन में प्राइसेस अपडेट होते थे, तो 15 दिन तक तो एक ही प्राइस रहता था, लेकिन अब ये डेली चेंज होते हैं, और डेली सुबह 6 बजे एट 6 AM एवरी डे दीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर यू नो डिसाइडिंग देयर प्राइसेस, कैलकुलेटिंग देयर प्राइसेस एंड डिस्प्लेइंग इट, राइट। सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग। और क्रूड ऑयल जो है वो, उसका इंपॉर्टेंस इंडिया में क्या है, उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक और लेक्चर में हमने शायद इसको डिस्कस किया इन सब पॉइंट्स को। सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल आफ्टर US एंड चाइना, दिस वी हैव सीन, एंड 82% ऑफ द ऑयल कंज्यूम्ड इन इंडिया इज इम्पोर्टेड, दैट ऑल्सो वी हैव सीन। एंड क्रूड ऑयल जो है उसका जो इम्पोर्ट है वो हमारे 25% ऑफ द इम्पोर्ट को कवर करता है, राइट। सो इसका जो वैल्यू है इम्पोर्ट का, जब क्रूड ऑयल प्राइसेस जब फॉल करते हैं तो हमारा इम्पोर्ट का जो वैल्यू है वो भी कम होता है, इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होता है, राइट। सो दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन सो, एंड प्लीज शेयर दिस लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स, एंड वी विल सी यू सून विद अनदर लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्रिपेयर वेल।